हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एमडी टेक इंडिया के एक और नए वीडियो में। और आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं एक और नया स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग, जो कि है फायरबोल्ट BSW004 स्मार्ट वॉच, जिसको आप फायरबोल्ट टॉक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपको जो है ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब ये रहा इसका। आप जैसे देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है और इसका बॉक्स में आपको साइड साइड में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और पीछे में जो है इसका बाकी सब चीज़ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक एक करके इसका फीचर्स पहले मैं दिखाता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कॉलिंग का फंक्शन है, SpO2 मॉनिटरिंग मिल जाता है, हार्ट रेट सेंसर है, म्यूजिक कंपेनियनशिप है, मल्टीपल वॉच वेदर, स्लीप मॉनिटरिंग, फिर लार्ज स्क्रीन, मल्टी एंगल रोटेशन। ओके, और क्या बचा था कि ये बचा था, और बैटरी लाइफ, म्यूजिक कंट्रोल, यानी बाकी जो भी फीचर्स रहते हैं वो स्मार्ट वॉच सभी है। और इसका जो प्राइस देख सकते हैं वो है आपका 9999, यानी MRP 10,000 है, बट आपका जो इसका जो प्राइस है वो है आपका ₹5,000 ओनली। तो 5,000 में एक ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। तो अब बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो है ये इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है, और इसका नंबर मैंने बताया था, ये BSW004, और ये आपका यूज़र मैनुअल पहले मिलता है। उसके बाद आपका यहाँ पर हम लोग को ये स्मार्ट वॉच मिल जाता है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, और यहाँ पर आपको बाकी ये हम लोग का वॉच है, तो इसको हम पहले थोड़ा साइड में रख लेते हैं और देखते हैं इसमें आप क्या क्या है। तो इसमें आपको जो है ये इसका चार्जिंग केबल है, जो ये आपका यहाँ पर पिन चार्जिंग है, फिर इसको आप मैग्नेटिक चार्जिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ जो है आपको कुछ कार्ड सब दिए हुए, जैसे जैसे कार्ड से कोई ऐप ये सब का रिडीम करने का, तो आप इसको इससे आप रिडीम भी कर सकते हैं। और फाइनल ये आपका G5 का, और ये फाइनली आपका ये वारंटी कार्ड है जिससे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और बस दैट्स इट, ये बॉक्स यही सब था कंटेंट्स। और अब चलिए अब हम लोग वॉच को जो है ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो यहाँ पर साइड में बटन दिया हुआ है इसको थोड़ा के प्रेस करना होगा, और जैसे ये तुरंत में स्टार्ट हो गया, क्विक बुटअप हो गया है, तो अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग पहले इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। और राइट गाइस, तो ये ऐप को अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को एक ऐप चाहिए होगा, जो कि है आपका डाव फिट, और ये आपको प्ले स्टोर और ऐप से दोनों में मिल जाएगा। और यहाँ तक कि आप इसको अपने मोबाइल से भी, जो सॉरी आपके जो यूज़र मैनुअल दिया हुआ है ये वाला, इसमें आपको सबसे फर्स्ट पेज में ही इसमें दिया रहेगा QR कोड, आप इससे भी आपको इसको स्कैन कर सकते हैं। और बाकी इसमें आपको फुल पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये ऐप को सेटअप कर लिया है, तो पहले आपको ऐप को सेटअप करना होगा, और सेटअप करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ऐड डिवाइस ऑप्शन में जाना होगा। और ऐड डिवाइस करने पर पहले ब्लूटूथ ऑन करेगा और लोकेशन इनेबल करने के लिए कहेगा, और यहाँ पर जो है हम लोग का ये शो कर दिया है। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है कनेक्ट ले रहा है, और ये ओके, तो ये हम लोग का हो चुका है कनेक्ट। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसका ऐप के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें आप यहाँ से आप इसमें वॉच फेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे वॉच फेसेस हैं। तो एट ए टाइम आप 4 वॉच फेसेस अपने मेन स्मार्ट वॉच के स्क्रीन पर रख सकते हैं, और बाकी यहाँ पर आप किसी को कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो भी जितने भी यहाँ पर वॉच फेसेस है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है कि आप कौन कौन सा का नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं। तो अगर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का करना है तो आपको यहाँ पर फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है, वो मैसेज का नोटिफिकेशन है, उसको जो है आपको इनेबल करना होगा। बाकी फिर आप कोई जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप इनेबल कीजिए, नहीं कि वो आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर अलार्म्स का है, ये है आपका कैमरा सेटर का कि आप इसको जो है वो कैमरा से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर शटर ऑन हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इस कैमरा कंट्रोल भी कर सकते हैं इससे। और फिर यहाँ पर अदर्स कुछ और ऑप्शन है, जैसे टाइम फॉर्मेट, यूनिट सिस्टम, डू नॉट डिस्टर्ब,
कंटिन्यूस शटर डिटेक्शन, क्विक व्यू, फिर यहाँ पर वाटर ड्रिंक वाटर रिमाइंडर जो कि मोस्ट डिवाइसेस में आजकल रह रहा है, वेदर है, फिर आपका यहाँ पर है साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, या फिर आप इसको कर सकते हैं मेंजुरल मैनेजमेंट यानी जो मेंजुरल साइकिल होता है उसका रिमाइंडर है ये, और लास्ट ऑप्शन है अपडेट का जो कि अभी हम लोग का लेटेस्ट वर्जन पे है, और यहाँ पर आपको प्रोफाइल है, और यहाँ पर आप इसको गूगल फीड से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस वॉच को, और फिर बाकी यहाँ पर आपका सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। तो ये तो हो गया ऐप का डिटेल्स, अब चलते हैं हम लोग अपने आते हैं वॉच फेस पे या फिर स्मार्ट वॉच पे सॉरी। तो सबसे पहले स्टिकर हम लोग हटा लेते हैं जो स्टिकर ऊपर में लगा हुआ है। ओके, तो आई थिंक इस पर एक डबल स्टिकर था, वो ग्लास था एक्स्ट्रा, तो ये हटा ही देते हैं उसको भी। एक्चुअली में ग्लास था थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ था, तो हमने उसको भी हटा ही दिया था सॉरी। और फिर बैक साइड में भी सेंसर है, तो ये सेंसर का सबसे पहले लोग को जो सेंसर के ऊपर प्लास्टिक लगा उसको हटाना होगा, तो मैं पूरा सब थोड़ा सा इसको सेटअप करके फिर आप लोग से मिलता हूँ। ओके गाइस, अब चलिए आप लोग को इसका फंक्शंस और फीचर्स बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो आप ये साइड वाला बटन है, इससे आप अपने स्मार्ट वॉच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, साथ ही आप इसको बैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जब उसको ऊपर से स्वाइप अप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा और कुछ ऑप्शन मिल जाता है, क्विक टॉगल ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये सबसे पहला जो है ये आपको जो ये सबसे पहला है ये आपको यहाँ पर थिएटर मोड का ऑप्शन मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स, ब्राइटनेस, ये सब का ऑप्शन मिल जाता है। और थिएटर मोड क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो वो सब में आप कर सकते हैं। और ज़्यादा देख सकते हैं ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा ही है तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर आप इसमें नीचे से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है तो अभी यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। और अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको हार्ट रेट सेंसर, एक्सरसाइज सेंसर, फ़ोन डायलर, तो इसमें लोग थोड़ा देर में आते हैं। और फिर उसके बाद इसमें आपको बीपी मॉनिटर, हार्ट रेट एसपीओ2 मॉनिटर, वेदर और कैमरा शटर, और फाइनली ये म्यूजिक कंट्रोलर है यहाँ पर, तो ये सब आपको मिल जाता है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं जो इसका मेन फीचर है जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है। और चलिए मैं एक नंबर आपको कॉल करके दिखाता हूँ। आ रहा है मेरा? यानी आवाज कैसा आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सब से, वॉच से, ये सब से कि आवाज सब किससे बेटर आ रहा है किससे नहीं आ रहा है। पूरा क्लियर नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है, थोड़ा तेज बोलोगे तो आ जाएगा। वो थोड़ा तेज बोलेंगे तो आ जाएगा, यानी अगर नॉर्मल किसी से बात करे अगर तो आवाज तो सही आ रहा है। हाँ, आ जा रहा है। तो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। तो आपने देखा है कि आवाज़ बिल्कुल कॉल ये सब बिल्कुल सही जा रहा था और आवाज़ सही आ रहा है। और फिर इसमें आपको और भी फीचर जैसे बीपी मॉनिटर, एसपीओ2 मॉनिटर, मैं आपको सब चीज़ अभी करके दिखाता हूँ एक एक करके। ऑलराइट गाइस, तो अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसका बिल डिज़ाइन और ये सब के बारे में। तो जो इसका जो डिज़ाइन वाइज है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है, क्योंकि इसका जो बीच का ये वाला है वो आप कोई भी एक नॉर्मल वॉच देखते हैं जो भी क्लासिक वॉच रहता है तो उसमें हम देखते हैं तो इसका बीच वाला जो हैंडल रहता है वो आपका थोड़ा सा हेवी रहता है। सेम इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है कि इसका जो बीच वाला है वो थोड़ा सा हेवी है, और बाकी इसका जो स्ट्रैप है वो आपका रबड़ का बना हुआ है जो कि वॉच एक नॉर्मल वॉच जो होता है घड़ी जो होता है उसके जैसा ही है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे जो पिन है इससे आप इसको अलग कर सकते हैं, स्ट्रैप को निकाल सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रैप चेंज करें तो उससे कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो है यहाँ पर कुछ सेंसर्स भी दिए हुए हैं, और ये आपका मैग्नेटिक चार्जिंग का पिन दिया हुआ है यहाँ पर, और नीचे में आपको ये फायर बोल्ट का वो लोगो है। और अब अगर बात कर ले इसका जो स्क्रीन के बारे में, तो आपको स्क्रीन पर जो है पहले से एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है जो कि एक्चुअली मुझसे निकल गया था तो मैं इसका स्टिकर निकाला था, बट आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि आप लोग से स्टिकर ना निकले।
और उसके बाद जो इसमें का जो स्ट्रैप है वो आपको 3 डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है। ये ग्रीन कलर है, इसके बाद आपको ग्रे कलर में मिलता है और एक तीसरा ब्लैक कलर में मिल जाता है। आप इसको फ्लिपकार्ट से ₹4,999 में बाई कर सकते हैं। और अगर फील के बारे में बात करें तो फील वाइज ये काफ़ी हल्का रहता है, यानी जैसे एक नॉर्मल घड़ी के जैसा फील आ रहा है, कुछ नहीं कुछ अलग नहीं आ रहा, यानी कुछ ज़्यादा ही हैवी जैसा नहीं लग रहा है। और इसको आप डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशंस में काफ़ी मुझे सही लग रहा है। और फिर अगर मैं बात करूँ इसका जो डिफरेंस में टेस्ट होता है, जैसे कि ये बीपी मॉनिटरिंग का टेस्ट या हार्ट बीट सेंसर का टेस्ट, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो आप लोग को क्या लगा इस वीडियो में, अच्छा कमेंट करके जोर से बताइए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।